Assalamualaikum and welcome back to my channel. आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक रेमेडी जिससे आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। आप चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने अपनी अम्मा के जहेज का बर्तन निकाल लेना है जिसपे हम लोगों ने हेयर मास्क बनाना है। हम लोगों ने सबसे पहले एक एग ले लेना है, उसको हमने मिक्स करना है। अगर आपके बाल ऑयली है तो आपने सिर्फ योक यूज करना है, अगर आपके बाल ड्राई है तो आपने पूरा एग ऐड करना है जिससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद आपने योगर्ट ऐड करना है। आप घर का भी यूज कर सकते हैं और बाजार का भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घर का यूज करती हूँ। इसके 4 टेबल स्पून हमने ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसे मिक्स करना है। अगर आपके हेयर की ग्रोथ ज्यादा है तो आप सब चीजों की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और आपके सर में जो खुजली होती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये जूं वाली नहीं, दूसरी खुजली। इस रेमेडी को हम सेव नहीं कर सकते, उतनी ही बनानी है जितने हम लगा लें, ठीक है। और इसे हमने मंथ में 2 से 3 दफा अप्लाई करना है। अब हमने इसमें कोई ऑयल ऐड करना है। आप इसमें आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल और कोकोनट ऑयल यानी खोपे का तेल भी ऐड कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं। 2.5 टेबल स्पून हम इसके ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम लेमन जूस की 1 स्पून ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी आपके हेयर ग्रोथ में भी मदद करेगी एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम लोगों की रेमेडी हो गई है रेडी। अब हम लोग इसे जल्दी से अप्लाई करते हैं। ये हर एज ग्रुप का बंदा यूज कर सकता है। इस रेमेडी को आपने अपने हेयर में अप्लाई करने के बाद 30 मिनट्स के लिए वेट करना है, उसके बाद शावर ले लेना है। आपको रिजल्ट खुद बताएगा। इस रेमेडी को यूज करने के बाद अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आप रिजल्ट देख सकते हैं, हेयर कितने स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो गए। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।